हिमाचल प्रदेश की स्वर्णिम राज्य स्तरीय जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमीरपुर में कलाकारों के द्वारा प्रदेश से जुड़ी विभिन्न कलाकृतियों को दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। हमीरपुर के मुख्य स्थानों के अलावा प्रमुख सरकारी कार्यालयों की दीवारों को भी इसके लिए प्रयोग किया गया है। प्रशासन की इस पहल को स्थानीय जनता भी खूब सराह रही है। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि हिमाचल के पूर्ण राजतबे के 50 वर्ष पूरा होने के चलते सरकार इस वर्ष को स्वर्णिम जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। उसी को लेकर प्रशासन ने विभिन्न तैयारियां शुरू कर दी हैं और वॉल पेंटिंग भी उसका एक हिस्सा है। प्रदेश सरकार के हिमाचल के पूर्ण राजतबे दिवस के 50 वर्ष पूरा होने पर इसे वर्ष को स्वर्णिम राज्य स्तरीय जयंती वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश में स्वर्णिम रथ यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। हमीरपुर जिला में प्रशासन ने प्रदेश में जिला की तरक्की को दर्शाती पेंटिंग को दीवारों पर करवा रही है। जिला के प्रमुख मांगों व कार्यालयों की प्रमुख दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और हर कोई प्रशासन के इस पहल को भी सराह रहा है। स्थानीय निवासियों आशीष मनोज व मुन्ना वर्मा ने कहा कि जिला में पहली बार इस तरह वॉल पेंटिंग की जा रही है और बाहर से आने वाले लोगों को इसे प्रदेश की सांस्कृतिक स्थानों को जानने का भी मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन पेंटिंग में हिमाचल के विकास को दर्शाया गया है, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को भी पूर्व में रही कठिन परिस्थितियों को जानने का मौका मिल रहा है। मित्रों, पहले तो हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पे सबको बधाई हो। और ये जो दीवारों पे पेंटिंग का काम हो रहा है, उस पे जो चित्र बनाए जा रहे हैं, बाहर से आने वाले पर्यटक इनको देख रहे हैं, मतलब बहुत ही सराहनीय काम है। अपने हमीरपुर में ऐसी चित्रकारी जो है वो पहली बार की जा रही है और ये मतलब बहुत ही अच्छा काम है। बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो इन चित्रों को देख के काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और इससे जो है हमारी हिमाचली संस्कृति का भी पता चल रहा है। स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने पे जो हमारे प्रशासन ने दीवारों पे पेंटिंग बनाई है, जो भी हमारे हमीरपुर में जो भी कार्य किए गए हैं उनको चित्रित किया गया है, उसको देख के हमें बहुत खुशी हुई। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो वहाँ उन चित्रों को देख के हमारी संस्कृति का और यहाँ पे जो भी काम हुए हैं उनको देख के वो हमारे यहाँ की संस्कृति का पता लगा लेते हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रशासन ने अनोखी पहल की है और आगे भी इसको बढ़ावा मिले। धन्यवाद। जो स्वर्णिम हिमाचल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में जो हिमाचल सरकार वॉल पेंटिंग्स बनवा रही है, ये बहुत ही अच्छी और अनूठी पहल है, जिससे कि हमारे जो लोग हिमाचल के बाहर से आते हैं वो जब इन चीज़ों को देखेंगे तो उन्हें हिमाचल के बारे में जानकारी मिलेगी, हिमाचल के कल्चर के बारे में पता चलेगा और वो लोग बार बार यहाँ आने की इच्छा जताएंगे। इससे हमारे कारोबार व पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि हिमाचल के पूर्ण राजतबे के 50 वर्ष पूरा होने के चलते सरकार इस वर्ष को स्वर्णिम जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। उसी को लेकर प्रशासन ने विभिन्न तैयारियां शुरू कर दी हैं और वॉल पेंटिंग भी उसका एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जिला में इस पूरे वर्ष स्वर्णिम हिमाचल की थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वर्ष 2021 है और ये हमारे हिमाचल के लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50 वर्ष जो है वो पूरे कर चुके हैं। तो इसी उपलक्ष में हमारे जिले में और अलग अलग जगहों पे विभिन्न आर्टिस्ट्स द्वारा वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। आपने देखे होंगे काफी आकर्षक चित्रकला से उन्होंने अलग अलग दीवारों को जो है सजाया है। हमारे डीसी ऑफिस की बिल्डिंग में भी, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग में भी बहुत सुंदर चित्रकला की गई है। ये हिमाचल की संस्कृति को दर्शाती है, हिमाचल एज अ स्टेट हमने क्या क्या उपलब्धियां की हैं, कि बहुत सड़क बने हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ने भी बहुत तरक्की की है इन 50 वर्षों में, इन सारी चीजों को दर्शा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे जिले में भी और प्रदेश भर में अलग अलग एक्टिविटी स्वर्णिम हिमाचल के रूप में जो है मनाई जाएंगी और की जाएंगी हर विभाग द्वारा। और हम लोग आने वाले एक साल में जो है आप लोगों से कई बार जुड़ेंगे स्वर्णिम हिमाचल के उपलक्ष में। और हमारा होली महोत्सव जो इस बार सुजानपुर में होगा और चैत्र मेला जो यहाँ चैत्र नवरात्रों के दौरान ड्योढ़सिद्ध में होगा, वो भी जो है स्वर्णिम हिमाचल के थीम पे ही हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं।